नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र स्टेट इंडिया। मैं आप सबका मेरा आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं कि आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी फॉर पेड कंसल्टेशन ऑफ आयुर्वेद, दैट मीन्स एनी हेल्थ प्रॉब्लम, पेड कंसल्टेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी, पेड कंसल्टेशन ऑफ फार्मिस्ट्री, पेड कंसल्टेशन ऑफ न्यूमरोलॉजी। यू ऑल आर वेलकम फॉर पेड कंसल्टेशन थ्रू द व्हाट्सएप ओनली। फोन लेने का टाइम ही नहीं रहता हमारे पास, तो कृपा करके व्हाट्सएप कर दीजिए 9226810630। कोई चिंता की बात नहीं है, नंबर हमेशा डिस्क्रिप्शन में मैं देता हूं। बहुत कम यूट्यूबर्स हैं जो नंबर्स देते हैं। फिलहाल नंबर के आप गलत फायदा मत उठाइए, कृपा करके फोन कृपा मत कीजिए, सिर्फ व्हाट्सएप कर दीजिए, जरूर जवाब दूंगा आपको। ठीक है, मेरे पास एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम है और हम हमेशा टीम की तरह ही काम करते हैं डॉक्टर देशपांडे के मार्गदर्शन के द्वारा। ऐसा हो नहीं सकता कि हर एक व्यक्ति को सिर्फ देशपांडे साहब से ही बोलेंगे, देशपांडे सर से बातचीत करेंगे। कृपा करके ये समझ लेने वाली चीज है। हम बात कर रहे हैं पामिस्ट्री के बारे में। बहुत सारे वीडियोज में आप तो क्लासेस ले रहा हूं मुफ्त में, बाहर जाकर 10,000 50,000 आपको फीस देनी पड़ती है ये एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए, पामिस्ट्री सीखने के लिए, न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए, है ना, है ना। तो ये देशपांडे सर नहीं करते, मुफ्त में जितना देते सकते हैं उतना दे देते हैं। और वो कैसे देते हैं? शास्त्रीय तरीके से और आसान तरीके से। पामिस्ट्री करना है तो आपको बहुत सारे हाथ देखने पड़ेंगे, आपके माता पिता है, बच्चे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे का रिश्तेदार होंगे, हमारे ऑफिस कार्यालय में काम करने वाले लोगों के, पड़ोसन के, सब लोगों को जितना जिसका इच्छा है उसी तरह से। हम ऐसे खींच कर नहीं ले सकते, दिखाओ दिखाओ हाथ, ऐसा नहीं कर सकते। हाथ देखने के लिए ये ज्यादातर ये लाइंस तो क्लियर है, लाइफ लाइन है हमारी, ब्रेन लाइन, हेड लाइन है, ये हार्ट लाइन है, ये क्लियर है। फिर कई कबार छोटी छोटी लाइनें नहीं दिखती, तो ये क्या दिखाते हैं सर, क्या दिखा रहे हैं? लेंस दिखा रहे हैं, लेंस। तो लेंस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरे हैं क्या, ये क्या है सर, ये क्या पाउडर लगाना इधर? नहीं नहीं भैया, ऐसे ऐसे लगाना, ऐसी लगाना है ऐसी। हाँ, हाथ के ऊपर लगाकर हाथ की लीना जो रेखाएं हैं वो ज्यादा अच्छी दिख सकती है। इसी के लिए लेंस और पाउडर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कौन सा हाथ देखना है? हमेशा उत्तर तैयार है, एक्टिव हैंड। क्या बोलेंगे? जोर से एक्टिव हैंड। सर एक्टिव हैंड, अरे भैया पहले वाले वीडियो देखिए, जिस हाथ से वो व्यक्ति, चाहे वो दायना चाहे वो बाया, जिस हाथ से खाना पीना करती है, लेन देन करती है, लिखती है, साइन करती है, वो है एक्टिव हैंड। ये कुछ गलत फहमी होती है लोगों में, लेडीज का बाया हाथ, पुरुष का दायना हाथ। नहीं, क्या देखना है? एक्टिव हैंड, जिस हाथ से वो व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, लिखती है, खान पान करती है, साइन करती है, वो हाथ देखना। ओके, चलो चालू करते हैं फॉर्चून लाइन के बारे में। पहले से ही चल रही है ना, ये देखिए, ये फॉर्चून लाइन इधर से निकल रही है। अभी थोड़ा सा कर्सर कलरफुल बना लेता आपके लिए, रेड कलर हमेशा बनाते ना सर, ये देखिए आ गया रेड कलर। यहां से ये फॉर्चून लाइन निकल पड़ी और ये आगे चलकर हृदय रेखा है, उसको मिल गई। बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। एक दूसरे के साथ मिलन होना, हृदय के साथ मिलन होना हमारी नसीब का कितनी अच्छी बात है। तो इसका मतलब होता है इस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत सफल होने वाला है, अच्छा होने वाला है, उन नवरा जो पति पत्नी उनका मिलजुल अच्छा रहने वाला है। ठीक है, तो ये साइन है, अच्छी साइन है। स्लाइड नंबर टू, एट द एंड ऑफ द फॉर्चून लाइन जो है, तीन शाखा निकल रही है, तीन शाखा, एक शाखा जा रही है शनि माउंट की तरफ, ये गुरु माउंट की तरफ, और एक रवि माउंट की तरफ। अरे क्या बात है यार, गुरु तो हमारा, गुरु का आशीर्वाद है, नॉलेज है, पावर है, नॉलेज इज अ पावर, अध्यात्म है, नेतृत्व है, संगठना है, सब है गुरु में। ये शनि, शनि हमें पेशेंस देता है, फिलोसॉफी देता है, और रवि क्या करता है, हमारी नेम फेम एंड मनी की चिंता करता, मतलब देता है हमें। तो ये तीनों मिल जाने वाले उसको, व्यक्ति ये सबका बेनिफिट मिलने वाला है उस व्यक्ति को जिसकी ये फॉर्चून लाइन के तीन शाखाएं तीन तरफ जा रही है। बहुत बढ़िया साइन है। आगे चलते हैं स्लाइड, ये तीसरा नंबर की स्लाइड है, एंडिंग विद द यव। ओ यव इतना अच्छा साइन नहीं रहता जब एंड पर आ जाता है तो, और ऑल्सो स्मॉल डाउनवर्ड लाइन, ये देखिए नीचे चल रही है ना,
मैं हमेशा करता हूं, थम्स अप इज अ गुड, थम्स डाउन इज नॉट सो गुड। तो रेखा जब ऐसे नीचे नीचे जाएगी तो थोड़ी थोड़ी प्रगति में रुकावट हो जाएगी, अधोगति हो जाएगी, और ऊपर ऊपर जाएंगे तो हम भी प्रगति करते रहेंगे, प्रगति करते रहेंगे, है ना। इसी तरह से फिलहाल ये क्या हो गया, यहाँ पर यव साइन का मतलब एक निगेटिव इंडिकेशन है और यहाँ पर भी थोड़ा सा निगेटिव चल रहा है, तो इसका मतलब उसके जीवन में बीच बीच में रुक रुक कर थोड़ा दुख निर्माण होने की क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, संभावना है। किसी को भी घबराना नहीं, एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द लाइफ। किसी को हमें दोष देना नहीं है, किसी को दोषारोप करने नहीं है, किसी की गलत चीजें उसके पता, हमें उसको अच्छी चीजों के लिए प्रोत्साहित करना है, और जो भी निगेटिव है उसके लिए उसको काउंसलिंग करके क्या उसके ऊपर रेमेडी हो सकती है वो भी हमें बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उसको सोच समझ कर हर वक्त चलना पड़ेगा, ये मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, डे ड्रीमर नहीं होना चाहिए। हमारी बुद्धि अक्कल उधर जाकर धीरे धीरे प्रगति करने की जरूरत है, और पहले से ही समझ लेना चाहिए कि मेरे जीवन में थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो सकता है, वो हर एक के व्यक्ति में होता है, आपके जीवन में नहीं। फिलहाल आपको पहले मालूम हो गया तो इसके द्वारा आप ज्यादा संभाल कर चल सकते जीवन। स्लाइड नंबर 4, ये तो चेन हो गया भैया, चेन तो इतना अच्छा नहीं है, चेन का मतलब रुकावट है। हाँ, पूरी की पूरी सीधी लाइन हो तो अच्छा होता है, बीच बीच में देखिए चेन आ गई, तो इसका मतलब है उस व्यक्ति को जीवन में पैसा कमाने के लिए, नौकरी धंधा करने के लिए ज्यादा कष्ट उठाने पड़ने वाले हैं। क्या फिक्र करने की जरूरत है तो है, उसका बोलना चाहिए यस मैं करूंगा, आई विल विन, मैं जीत जाऊंगा, ऐसी उसकी धारणा होनी चाहिए। इसके लिए पहले से उसको सावधान करना चाहिए कि भैया आपको थोड़ा सा हार्डशिप की जरूरत है जीवन में, कभी कभार आपके काम धंधे में थोड़ा सा बैड लक हो सकता है, बिजनेस में हाँ थोड़ा सा लॉस हो सकता है, तो पूरी खबरदारी लेकर आप चलिए। आपका जो पार्टनर है सावधान, हमेशा कौन सा भी व्यवहार करते समय, व्यापार में जो बुद्धि लगानी है, स्किल लगानी है, चीटिंग नहीं करना भैया, कुछ गलत चीजें नहीं करना, ब्लैक मनी नहीं चाहिए, सीधे सीधे चलिए, और हमेशा थोड़ा सा परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर ध्यान धारणा करके आगे चलिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, फिर मन में बिजनेस करते समय कौन सी भी गलत चीज हो गई तो आपको नुकसान होने वाला है, ऐसे पहले से उसको वार्निंग हम कर सकते हैं। स्लाइड नंबर 5, ये देखिए थोड़ा सा ऐसे ऐसे चल रहे ना, वेवी है, तो वेवी इसका मतलब है सीधा नहीं, हमारा काम सीधा नहीं होने वाला, उस व्यक्ति का जो बिजनेस है, नौकरी धंधा है, वो सीधे चलकर नहीं होने वाला, उसमें कुछ ना कुछ अप एंड डाउन रहेंगे। और उस व्यक्ति, यह ऐसा क्यों होता है उस व्यक्ति के बारे में, क्योंकि उस व्यक्ति का स्वभाव भी एक प्रकार का क्वारलिंग नेचर उसका होता है, जिसको बोलते हैं ना फाइटिंग नेचर, फाइटिंग नेचर, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके वो नहीं करेगा, वो ऐसा ये कहेगा तो ये, वो ऐसा कहेगा, तो एक दूसरे के तरफ डिस्प्यूट्स में वो व्यक्ति ज्यादा बार जाएगी तो उसकी लॉसेस कहाँ हो जाएगा, फाइनल में बिजनेस में नौकरी धंधे में बॉस के साथ हमेशा फाइट करता रहेगा, पार्टनरशिप का फाइट करता रहेगा, क्लाइंट्स के साथ उसकी बेबना हो रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये जब ऐसी लाइन आपकी जो बुद्धि है ना वो स्ट्रेट नहीं चल रही है, उसको क्या कहना, आपकी बुद्धि स्ट्रेट लाइन में नहीं है, आपकी बुद्धि कुछ अलग 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 गलत 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 अलग गलत अलग गलत सोच कर रही है, इसका बाद में आपको पछतावा होगा। तो सावधान, आपका बुद्धि का जो सोच है वो सीधा साधा ऑनेस्ट प्रामाणिक एथिकल नैतिक, ये सब चीजें आपको करनी चाहिए, ऐसा नहीं करोगे सातत्य फाइटिंग नेचर रहेगा तो आपको बिजनेस में नौकरी धंधे में तकलीफ होने वाली है, बता सकते, बिल्कुल बता सकते, क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि जब हमारे पास जो ओबेसिटी का पेशेंट आ जाता है तो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना पड़ता है, आप ज्यादा फैटी सब्सटेंसेस खाओगे, चीज पिज्जा खाओगे तो ऐसे ही मरोगे ऐसे, अरे डॉक्टर साहब आप ऐसे बोलेंगे, अरे क्योंकि उसको बताना है स्ट्रेट फॉरवर्ड कि बाबा ऐसा आप गलत कर रहे हैं, ये नहीं खाना चाहिए पिज्जा आपको, आप व्यायाम करते रहना चाहिए, आप बैठे सोते रहेंगे तो ऐसा ही होने वाला, आपको हार्ट अटैक आने वाला है, ऐसा बोलेंगे तो सावधान हो जाता है व्यक्ति। इसी तरह फार्मिस्ट्री में भी थोड़ी थोड़ी आपको उसको वार्निंग्स देनी पड़ेगी, ठीक है। ये फॉर्चून लाइन देखिए, लैडर्स जैसे स्टेप्स पर हम चल रहे हैं आगे आगे चल के, तो ये स्टेप्स वाला जो है ना वो भी बीच में देखो ना गैप्स है ना, तो ये बताता है कि कुछ ना कुछ लॉसेस होने वाला है, पैसा थोड़ा सा निकल पड़ने वाला है, तो मनी लॉस जिसको बोलते हैं, पैसे में नुकसान घाटा आने की
संभावना है, 100% हो जाएगा, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। और ये हमेशा यहां दिखाया है, ये ऐसा पूरा का पूरा लैडर नहीं रहता, कभी कभार यहाँ इतना ही पार्ट में लैडर हो सकता है, इतना ही। तो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन डिटरमाइन एट विच एज, कौन सी उम्र में उसको मनी लॉस होने वाला है। ये जो लैडर का जो साइन है वो हमेशा यहां से लेकर वहां तक नहीं हो सकता, थोड़ा थोड़ा रुकावट भी, मतलब बदलाव हो सकता है उसमें। स्लाइड नंबर 7, ये देखिए फॉर्चून लाइन चल रही है, फिलहाल यहां पर थोड़ा सा ब्रेक हो गया, फिर ब्रेक होने से कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो जो ब्रेक है उस दूसरी लाइन आकर उसने कवर कर दिया उसको। जैसे हम बोलते थे ना मराठी मध्ये, आम्ही म्हणतो नेहमी काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती, मतलब इट वॉज गोइंग टू कम दैट एक्सीडेंट विथ मी, कार वॉज कमिंग फ्रॉम मी एंड इमीडिएटली समवन पुश मी अवे, समवन टेकन मी अवे, खींच गया किसने मेरे को और मेरी जान बच गई। तो ऐसा ये चिन्ह है, जान बचने वाला ये चिन्ह है, मतलब ये संकट जब आएगा तो उससे वो बच जाएगा। ये इस उम्र में ऐसा दिखाता है कि कुछ ना कुछ ब्रेक होने वाला है, लाइफ में कुछ तकलीफ आने वाली है, नौकरी धंधे की छूट जाने वाली, नौकरी छूटने वाली है, बिजनेस में घाटा आने वाला है, फिर वो घाटा परमानेंट नहीं रहेगा, तुरंत किसी ना किसी वजह से उसका पैचअप हो जाएगा, कोई मदद मिल जाएगी आपको, एकाएक मदद मिल जाएगी, जैसे कि घर से फैमिली एंसिस्टर से कुछ मिल सकता है पैसा, है ना, हो सकता है। तो एकाएक उसको सपोर्ट मिलने वाला है, कौन सी भी घटना, नौकरी चली गई तो दूसरी एक व्यक्ति ऑफर देगी, अरे मेरे पास आ जाइए भैया, हाँ मेरे पास है जॉब अभी, तो ये कवर कर रही है। तो कवरिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट, मतलब रुकावट तो है, फिर किसी ना किसी वजह से किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी प्रसंग के द्वारा, किसी परमेश्वर की कृपा के द्वारा वो उधर से निकल पड़ेगा और फाइनली उसकी संकट विमोचन, संकट दूर हो जाएगा, ऐसी ये वाली बात है। आगे चलते हैं स्लाइड नंबर 8, ये देखिए यहां पर क्या हो गया, फॉर्चून लाइन का ब्रेक दिख रहा है ना आपको, टूट गई है वो ब्रेक एट द स्क्वेयर, यहां पर ये स्क्वेयर बोलते हैं हम, स्क्वेयर मतलब ये हमारी क्या है, हार्ट लाइन है, और ये क्या है, ब्रेन लाइन, हाँ ये हार्ट लाइन है और ये इधर नहीं दिखाई है, लाइफ लाइन होती है। तो ये ब्रेक एट द स्क्वेयर बट कंटिन्यूअस फ्रॉम द हार्ट लाइन, यहां से फिर आगे उसका प्रवास चालू हो गया। तो यहाँ का इसका मतलब हो गया कि बीच में कुछ रुकावट आ गई, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस अचानक निर्माण हो गया, और ऐसा हो सकता है कि उसको दूसरे ने, पार्टनर ने बचा दिया, पति है तो पत्नी ने बचा दिया, मतलब फेवर कर दी, पत्नी है तो पति ने उसके ऊपर मदद का हाथ दे दिया, तो बेनिफिट फ्रॉम द अपोजिट जेंडर, क्योंकि ये आगे चल रही है, यहां रुकावट आ गया तो इसका मतलब स्ट्रेस आ गया, बिल्कुल फिजिकल मेंटल स्ट्रेस आ गया, क्योंकि ये फिजिकल है और ये भावनात्मक है, उसको भावना को भी ठेच पहुंची और ब्रेन को भी तकलीफ हो गई, तो दोनों हो गया, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस हो गया, फिलहाल वो उधर से भी निकल पड़ा और आगे चला, क्योंकि बिकॉज ऑफ द सपोर्ट फ्रॉम द अनदर जेंडर। आगे चलते हैं स्लाइड नंबर 9, बायफर्केशन एट द बिगिनिंग, यहां पर जो फॉर्चून लाइन है उधर थोड़े से दो भाग है उसके, और आगे चलकर ब्रेक है यहां पर, एट द पॉइंट वेयर वन ब्रांच कम्स फ्रॉम द मून माउंट। तो इसका ये जो जल है ना, चंद्रमा, या मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मैं जैसे कि समुद्र किनार पर बैठा हूं, तो ये जो जल दिख रहा है आपको, चंद्रमा ये जल की तरफ अट्रैक्टिव रहता है हमेशा, चंद्रमा का और पानी का बहुत गहरा संबंध है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उसके जीवन में जब वो प्रगति कर रहा था तो ये चंद्रमा की लाइन इसके मिल गई, फिलहाल उधर उन्होंने थोड़ा सा एक ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक का मतलब होता है पानी की वजह से उसके जीवन में कुछ ना कुछ एक भय, एक ऑब्स्टेकल, एक स्पीड ब्रेकर लगने वाला है, तो उसको पानी से जो मिसहैप्स होते हैं उससे बचना चाहिए। कई भी कभार वो हम बोलते हैं ना पानी में गए और डूब गए, ऐसा होता है ना, वाटरफॉल पर गए कोने तैरने के लिए, स्विमिंग करने के लिए, और निकल जान निकल गई, तो ये ऐसा उसको बोलना चाहिए कि थोड़ा सावधानी बरती है, जहाँ और कॉन्टेमिनेटेड वाटर भी हो सकते हैं, हम मेडिकल डॉक्टर्स हैं, कभी कभार गलत पानी पी दिया तो डायरिया हो सकता है उस व्यक्ति को, ज्यादा तकलीफ हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो पानी के बारे में उस व्यक्ति ने सावधानी बरतने की जरूरत है, बस इतना सा मीनिंग है, क्योंकि चंद्रमा से लाइन आ तो गई, फिलहाल उसको उन्होंने ब्रेक कर दिया फॉर्चून लाइन को, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। स्लाइड नंबर 10, ये देखिए यहां पर अगेन सेम थिंग है, पहले वाले हमने देखा था, ये पहले वाले कुछ इवेंट्स मैंने बता दिए थे, यहां पर नौकरी धंधा नहीं, यहां पर मैरिज की बात हो सकती है, मतलब ये फॉर्चून लाइन चल पड़ी है और बाद में इधर रुकावट आ गई,
एंड पैच अप एट द ब्रेकिंग पॉइंट एंड एंड्स एट द गुरु। तो मतलब आखिर में सक्सेस है उसको। एक तो विवाह टूट सकता है पहले वाला, फिर डाइवोर्स हो सकता है, घटस्फोट हो सकता है, फिलहाल बाद में दूसरा विवाह होकर वो सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि जो नसीब वाली रेखा है फॉर्चून लाइन तो अच्छी गुरु की तरफ जा रही, गुरु का आशीर्वाद उसको मिल रहा है उसके नसीब में, तो ये अच्छी वाली बात है। पहले तो ब्रेक है और बाद में सक्सेस है। आगे चलते हैं स्लाइड नंबर 11। यहां देखिए अभी लाइन चल रही है, फिर यव साइन आ गया, और यव साइन कहां पर है? इन बिटवीन द ब्रेन लाइन एंड हार्ट लाइन। यही डिस्प्यूट का कारण होता है, एक दूसरे को वेवलेंथ नहीं मैच होना, पति पत्नी की जब वैचारिक धारा एक दूसरे से नहीं मिल पाती, वो कोई इंटेलिजेंट ज्यादा है, मतलब उसके पास तार्किकता ज्यादा है, इसके पास भावना ज्यादा है। मैं ऐसा नहीं कहता कि पत्नी के पास भावना ज्यादा है और पुरुष के पास लॉजिकल या इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा है, फिलहाल जो भी है अलग भी हो सकता है, मतलब पति ज्यादा भावना प्रधान हो सकता है, ये ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकती है, हेड से चलने वाली, बुद्धि से चलने वाली। मैं ऐसे ही करूंगी, मैं मेरा करियर करने का जी करता है, मैं ये बाद में देखेंगे हम बच्चा बच्चा, तो ये हो सकता है डिस्प्यूट के कारण, क्योंकि ये दोनों के बीच में रुकावट आ गई, किसके हार्ट में, भावना के बीच में और हमारी बुद्धि के बीच में, ये क्या होगा, यव साइन आ गया। तो यव साइन हमेशा कुछ ना कुछ रुकावट, कुछ ना कुछ तकलीफ देने वाली चीज होती है, और ये हमारी नसीब की रेखा में बीच में आ गया, तो इसका मतलब ये डायवोर्स सजेस्ट कर रही है, होने वाला है, ऐसा किसी को बोलना नहीं, उसी को ज्यादातर बोल सकते हैं, पहले तो जान लेंगे कि वो वैवाहिक है या नहीं है, वो अनमैरिड है और उसको बोल दिया आपको डाइवोर्स कल होने वाला है, आपको हंसी हो जाएगी। ऐसा मतलब बेअक्कल काम नहीं करना, थोड़ा सा सुध बुध कर, वो फैमिली है तो फैमिली की काउंसलिंग करनी पड़ेगी, क्या है आपके कुछ मतभेद होते हैं क्या, किस वजह से होते हैं, भावना और तार्किकता इसी वजह से होते हैं क्या, तो आगे आगे चलकर उसमें सोल्यूशन भी निकल जाएगा और डाइवोर्स टल सकता है, बिल्कुल टल सकता है, स्वकर्तृत्व के द्वारा, संस्कार के द्वारा और परमेश्वर की कृपा के द्वारा। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों स्लाइड नंबर 12। लाइन कमिंग फ्रॉम द मून माउंट, ये देखिए यहां पर ज्वाइनिंग द फॉर्चून लाइन हैज अव साइन, अगेन प्रॉब्लम, यव साइन जहां जहां है वो थोड़ी सी, यव साइन ढूंढना भी थोड़ा मुश्किल है, ये देखकर ऐसा देख दिया चलो यव साइन, ऐसा नहीं बता सकते, थोड़ा वेरी केयरफुल, बाय चांस आपको ये साइंस कहां पर मिल गए तो अच्छी कैमरा से अच्छी फोटो लेकर मेरे को भेज दो, मुझे भेज दो, या तो ये हम संग्रहित करके रखेंगे और लोगों को इसके द्वारा और ज्यादा अच्छे मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो ये क्या करती है, ये भी ये बताती है कि लॉसेस ड्यू टू द फीमेल जेंडर, हाँ स्त्री के द्वारा आपके जीवन में कुछ ना कुछ कभी ना कभी प्रॉब्लम होने की संभावना है। ये उम्र आपको मैं अभी तो पढ़ाया नहीं आपको, ये हर एक लाइन का ना हम टाइमलाइन बता सकते हैं, ये फॉर एग्जाम्पल जस्ट दिस इज द बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज द 15 ईयर्स, दिस इज 20, दिस इज 25, यहां जब जाता है तो 35 आ जाता है, ठीक है एक करीबन बता रहा हूं मैं आपको, तो ये करीबन उसकी उम्र है 20, 22, तो गर्लफ्रेंड के द्वारा बाय चांस, क्योंकि ये यही है प्रेम करने का क्या बोलते हैं ना हमारी लाइफ का पीरियड, कॉलेज जीवन है, तो इसमें वहां पर उसको कुछ लॉसेस हो सकते हैं, क्या बोलते हैं ना पर्सनैलिटी के बारे में या चारित्र्य के बारे में, चारित्र हनन होना ऐसा कुछ हो सकता है, तो सावधानी बरतने की जरूरत है। आगे चलते हैं स्लाइड नंबर 13। यव साइन ऑन द फॉर्चून लाइन एंड मेनी ट्रेवल लाइन्स, हाँ तो ये जो ट्रेवल लाइन है वो अच्छी है, ट्रेवल लाइन बिल्कुल अच्छी है, ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा ये प्रवास करने की, मतलब इस व्यक्ति को ज्यादा ट्रैवल करने की इच्छा हो सकती है, और ट्रैवल देश में हो सकता है, इनसाइड द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, तो ये ज्यादातर दो देशों का प्रेम उसके मन में है, ऐसे हम आर्बिट्रेली बता सकते हैं, क्योंकि ट्रैवल लाइन है और यव साइन भी यहाँ पर है, मतलब एक तरफ यहाँ पर उसका नसीब चल रहा है और आगे चलकर दूसरे देश में उसका परदेश गमन होने के बाद उसकी नौकरी धंधा शिक्षा ऐसे हो सकता है, क्योंकि यव साइन ब्रेक है, फिर भी यहाँ ब्रेक अच्छा है, क्यों, यहाँ ट्रैवल लाइन्स है, तो ट्रैवल लाइन का मतलब एक तरह से उसका नसीब चल रहा था, नौकरी चल रही थी, बिजनेस चल रहा था, और उधर कुछ चेंज आ गया और अलग जगह पर उसका प्रगति बन गई, तो ऐसा ये चिन्ह सजेस्ट करता है स्लाइड नंबर 14। यहाँ देखिए बिगिनिंग विद द टू यव साइंस, हाँ थोड़ा सा ये अलग तरीके का साइन बन रहा है, ये चंद्रमा है मैं बता रहा हूं आपको, तो चंद्रमा क्या होता है, मून, मून एक कल्पना शक्ति का कारक है, फिर कल्पना शक्ति कैसी है, बहुत ही पावरफुल होती है, बहुत ही पावरफुल इमेजिनेशन,
और ये इमेजिनेशन जो है वो इतना डबल हो गया उसका, ये वो डबल, तो ये डबल फिलहाल ये ऐसा है कि नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो बर्ताव होता उससे अलग ये है, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा सेंसरी पावर, जिसको हम अतीन्द्रिय शक्ति कहते हैं, वो चंद्रमा के कारण, मन की सुपर पावर के कारण, कभी कभार उसको नॉर्मल व्यक्ति को कोई आवाज नहीं सुन रहा है, फिर उसको ओम का मंत्र सुनने को आ रहा है। नॉर्मल व्यक्ति कुछ आगे वाले भविष्य के बारे में ज्यादा नहीं सोच सकती है, वो व्यक्ति सोच सकेगी आगे चलकर आपके जीवन में फलाना फलाना हो जाएगा। फिलहाल ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, एक्स्ट्रा ह्यूमन बीइंग जैसा बर्ताव हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा की तरफ और डबल ये यवसाइन है इसी के कारण। आगे चलते हैं स्लाइड नंबर 15। यव साइन ऑन द फॉर्चून लाइन एट द हर्षल माउंट एंड क्रॉस एट द शनि माउंट, अगेन दिस इज अ बैड साइन, बिकॉज व्हाई, बिकॉज एक्सप्लोजन। शनि शनि जो है वो ऑब्स्टेकल वाला है, और ऑब्स्टेकल कैसा है, ये भी साधा सुधा ऑब्स्टेकल नहीं है, बहुत जोरदार धमाका होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल गलत हो गई कि यहां पर रुकावट आ गई, भावना और मन इसका कंट्रोल चला गया, बुद्धि और भावना में कंफ्यूजन हो गया, कभी बुद्धि प्रबल हो गई कभी भावना प्रबल हो गई, और उसको समझ में नहीं आ रहा है, मैड हो गया, और मैड होने के बाद किसी का वो खून करेगा, किसी को चीटिंग करेगा, किसी को क्या बोलेंगे रोबरी करेगा, पैसा ले लेगा, तो ये गलत चीजें करना वाला व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि इसके भावना और बुद्धि के बीच में ऐसा एक यव साइन बैठ गया, रुकावट जैसा। और एक बात है कि शनि जो है, जो पेशेंस देने वाला है, उधर तो उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन कर दिया, धूम धड़ा धड़ाम, तो धड़ाम धड़ूम होने के कारण जीवन में भी धड़ाम धड़ूम का मतलब थोड़ी सी सीरियस घटना हो सकती है, कुछ कभी कदार कैद भी हो सकती है, तो उसको थोड़ा सा अपने आप विचार, अपनी भावना, उसके ऊपर काबू रखना पड़ेगा, उसी से ये प्रिजन से बच सकता है। आगे चलते हैं स्लाइड नंबर 16। ट्राइंगल इन बिटवीन द लाइफ लाइन एंड द फॉर्चून लाइन टचिंग टू द फॉर्चून लाइन, ये देखिए ये बहुत बढ़िया साइन है, एकदम एक्सलेंट साइन है। तो ये यहाँ पर जो ट्राइंगल होता है, तो एक मिलिट्री अवार्ड, लश्करी किताब आपको मिलने की बहुत सारी संभावना है। तो सिर्फ ऑफ कोर्स आपको पूछना पड़ेगा कि आप सर्विस कहाँ पर कर रहे हैं, वेदर यू आर फ्रॉम द मिलिट्री पर्सन, आर्मी में है, नेवी में है, आपको पूछना पड़ेगा, और उसी के अनुसार उसको बताना पड़ेगा कि आप अपनी अपनी क्षेत्र में सुरक्षितता के कारण जो काम कर रहे हैं, आप बहुत बढ़िया काम करने वाले, किसी को जान बचाने वाले हैं, शत्रु का विमोड़ करने वाले हैं, और इसको लिए आपको सराहना प्रशंसा मिल सकती है गवर्नमेंट के द्वारा, और मिलिट्री अवार्ड भी मिल सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज भी हमने बहुत सारी फॉर्चून लाइन के बारे में चर्चा की, ऐसे ही ये पामेस्ट्री हंसी मजाक करके और ब्रेन चलाकर अच्छी तरह से समझ में लाकर ये सब बातें करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, खुश रहे, कृपा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करने की कृपा करें, जिसके द्वारा मेरी उम्मत हमेशा बढ़िया रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद।